हेलो गाइज वेलकम टू द लविन लाइट थ्री सिक्स नाइन टैरो हावी यू गाइज कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे सो so काइस हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज़ के लिए देखेंगे कि इस वक्त कि न आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कैसा फ़ील कर रहे हैं उनकी फ़ीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है तो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आ, देना चाहूँगी अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो मैं लव रीडिंग हेल्थ रीडिंग करियर रीडिंग सभी तरीके की रीडिंग्स करती हूँ एंड गाइज पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है एंड दूसरी बात गाइस अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे आप में दे दूँगी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो एंड वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अब बात करूँ रीडिंग की तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं ठीक है दूसरी बात ये कि आज जो है फुल मून भी है सो सारी एनर्जीज हमें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके की एनर्जीज़ हैं सो so, uh, और एक बात आप ध्यान रखना गाइस कि एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग की जाती है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे सो जो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं एक्सेप्ट करें एंड बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में सो पॉजिटिव रहें गाइज बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव रहना लेट्स so सी अभी आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं उनकी फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है so पहला कार्ड है सर्विस एक्सपेंशन एक्सपेंशन एनलाइटनमेंट Grief Soulmate. Okay. Mysticism. disappointment. सेल्फ वर्ड रिलीज ट्रिकवी बॉटम ऑफ द टैक्सी है वैनिटी ओके okay, तो सारे कार्ड्स यहाँ पर क्लियर है सबसे पहला ध्यान गया सोलमेट कार्ड पर सो मे भी आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है सोलमेट के कार्ड के साथ एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना यू नो थोड़े से मैन्यूपलेटिव नेचर के रहे हैं इन्होंने मैन्युपलेट किया है बहुत ज़्यादा एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपके जो पार्टनर हैं ये सीरियस uh, भी नहीं रहे रिलेशनशिप में जब तक रहे सीरियस नहीं रहे एक मिच्योरली जो बिहेव करना होता है ना लाइक like हम किसी कनेक्शन में और एक हमारा अलग ही एक मिच्योर बिहेव होता है कनेक्शन के लिए तो मिच्योर बिहेव आपको देखने को नहीं मिला ठीक है तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है इनकी तरफ से कि ये काफ़ी मिच्योरली मतलब सीरियस नहीं रहे हैं इस कनेक्शन के लिए उतना मिच्योरली इन्होंने बिहेव नहीं किया उतना मिच्योरली इन्होंने इस कनेक्शन को हैंडल नहीं किया बल्कि मैन्यू मैन्यूप्लेट बहुत ज़्यादा किया तो वो चीज़ें मुझे दिखती जिसकी वजह से आप ऑलरेडी बहुत परेशान रहे हो और अभी भी इनकी उसी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखती है या तो इनकी या फिर इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं एंड आई फील कि बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं एंड पता नहीं लग पा रहा कि यू नो किस वजह से ही हैं ये हेल्थ इश्यूज़ मे बी यू नो पूरी चीज़ें खुल के नहीं आ रही आई फील कि इनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है ऐसा जिसके जो है आ, हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है और उनकी हेल्थ क्यों बार बार ख़राब होती है इस चीज़ का रीज़न समझ में नहीं आ रहा ऐसा लगता है जैसे दो दिन ठीक रहते तीसरे दिन बीमार फिर दो दिन ठीक रहते फिर तीसरे दिन बीमार और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा बार बार उनके साथ क्यों हो रहा है या फिर आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है कि वो दो दिन एनर्जी एनर्जाइड फील एनर्जाइज्ड फील करते हैं तीसरे दिन बहुत लो फील करते हैं तो वो चीज़ मुझे दिखती है यहाँ पर कि हेल्थ इश्यूज़ हैं या तो इनकी फैमिली में से किसी के या फिर इनके खुद के है वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है एंड समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है बार 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 बार, बार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं दूसरी बात मिच्योरिटी आई है आपके पार्टनर के अंदर मुझे यहाँ पर मिच्योर एनर्जी दिख रही है जैसे कि एक्स यहाँ पर एक्सपेंशन एनलाइटनमेंट ये दोनों कार्ड्स मिल करके उसी चीज़ के बारे में बताते हैं यू नो आपके पार्टनर जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब है देखो सेल्फ़ वर्थ का भी कार्ड है तो बहुत सारी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन की हैं इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की हैं इन्होंने एक्चुअली क्यों इनको अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ चाहिए आई फील कि ये ड्रीमर है आई फील कि इनके सपने बहुत ज़्यादा है कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए हमेशा इनका ऐसा रहता है बट ये पहले ही इन मिच्योरली उन चीज़ों को ले रहे थे लाइक ये क्या कर रहे थे कि किसी भी चीज़ के लिए सीरियस नहीं बस मुझे अपनी लाइफ को जीना है बस मुझे अपनी लाइफ को इंजॉय करना है मुझे ज़्यादा किसी एक चीज़ में बंद करके नहीं रहना मुझे हर चीज़ जो है उसको इंजॉय करना हर चीज़ को जी करके देखना है कि कैसा फील होता है इनका ऐसा रहा है ठीक है बट नाओ अभी एक मचोरटी आई है बिकॉज हम जी सकते हैं हर चीज़ को जी सकते हैं बट मिट इनमिच्योरली अगर हम जीते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारा टाइम भी वेस्ट कर देते हैं एंड बहुत कीमती लोग ऐसे लोग जो अनमोल हैं उनको हम खो देते हैं सिर्फ हमारी इन इनमिच्योरटी की वजह से तो ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि यू नो लाइफ को इंजॉय करना है तो हम मचॉर रह कर के भी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं अगर हम ड्रीमर हैं अगर हमारे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं अगर हमारी चाहते बहुत ज़्यादा हैं तो हम मिच्योर रह कर के भी उनको पूरा कर सकते हैं बस सिर्फ एक दोनों पार्टनर्स में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि जैसे जीना चाहते ये वैसे जी सकते हैं एंड जो आप दोनों का एक ब्यूटिफुल कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन वो भी उसकी वजह से ख़राब नहीं होगा बट ये अगर ये इनमिच्योर बिहेव करेंगे तो उसकी वजह से ख़राब होगा ये चीज़ ये एनालाइज़ करें जो इनलाइटनमेंट का कार है ना ये ऐसा ही नहीं है कि यू नो बस छोटी मोटी रियलाइजेशन नहीं इलाइटनमेंट का कार्ड मतलब कि बहुत अच्छे से ये समझ रहे हो उस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं काफ़ी दुख भी है इनको कि इन्होंने पास्ट में इतना कुछ गड़बड़ कर दी इनको पास्ट में ही इस चीज़ के लिए संभल जाना चाहिए क्योंकि इनको भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फ़ील होते हैं क्योंकि आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग इनकी बैठती है ना कहीं और नहीं बैठती क्योंकि ये मैन्यूपलेटिव रहे हैं एंड जो मैन्यूपलेटिव इंसान रहता है ना एक्चुअली वो जिसको मेन्यूपलेट कर पाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है उसको बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने किसी को आज मेन्यूपलेट कर दिया तो इनका भी वही रहता था कि मैन्यूपलेट करते थे तो इनको बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ मैंने मैनुपलेट कर दिया अपने आप को बहुत होशियार समझना तो वो चीज़ हो जाती थी लेकिन यू नो मेन्यूपलेट किया हमेशा खुद की गलतियों को छुपाने के लिए मैन्यूपलेट किया हमेशा अपने आप को uh, बचाने के लिए कभी ऐसे नहीं कि यू you नो know, आपका कोई नुकसान चाहा हो वो चीज़ नहीं दिखती बट जैसे कि इनकी कोई गलती हो जाती तो ये खुद को बचाने के लिए आपको मेनुपलेट कर देते थे अगर uh, जो है इनको कोई बात छुपानी थी तो मैन्यूपलेट कर देते थे तो वो एनर्जी दिखती है सो so, एक सोल कनेक्शन मुझे इनका आपके साथ नज़र आता है एंड ये भी कहीं ना कहीं उस सोल कनेक्शन को आपके साथ फील करें काफ़ी दुख है इनको इस बात का कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ख़राब की हैं अपने हाथों से बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेले हैं इन्होंने आपके साथ एंड बहुत ज़्यादा परेशान किया है आपको बट अब ये रिलीज़ करना चाहते हैं ये इस चीज़ को समझ गए हैं कि जो चीज़ मुझे चाहिए अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो मुझे कुछ अपनी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा सो कहीं ना कहीं ये जो है रिलीज़ करना चाहते हैं वो सारी नेगेटिव चीज़ों को सारे नेगेटिव थॉट्स को एंड वो जो ओवरऑल हुआ उस चीज़ को जिसका इनको दुख है ठीक है रिलीज़ करना चाहते हैं बिकॉज इनको अभी ऐसा हो रखा है कि वो चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं वो जो पास्ट की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं ये डिस्टर्ब इसलिए हैं बिकॉज़ ये चाहते बहुत कुछ हैं अचीव करना यू you नो know? ड्रीमर है लाइक like, जो इंसान ड्रीमर होता है लाइक उस उसके एक सपनों की दुनिया होती है वो बस जीता चला जाता है जीता चला जाता है इनका भी यही है कि मुझे अपनी लाइफ को खुल के जीना है लाइफ एक बार मिली और मुझे इसको खुल के जीना है लेकिन आई फील कि अभी कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये उन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे जो ये करना चाहते हैं किसी ना किसी चीज़ में ऐसे अटक गए हैं यू नो कोई पर्सनल प्रॉब्लम या किसी की हेल्थ इशू इन चीज़ों में अटक गए हैं जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं कर पा रहे मतलब अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे इस वजह से थोड़े से ये डिस्टर्ब है काफ़ी अकेले से भी पड़ गए हैं ये अपनी लाइफ में ऐसा नज़र आता है यू नो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने जो है सब लोगों से अपने आप को डिसकनेक्ट कर लिया यू you नो know, uh, सिर्फ अपने साथ रहते हैं अपने आप में खोए रहते हैं यू you नो know, किसी और से ज़्यादा मेल झोल नहीं किसी और से ज़्यादा बातचीत नहीं सिर्फ अपने आप में रहना एंड uh, कुछ भी ज़्यादा शेयर भी ना करना कुछ उनकी तरफ से पता ही नहीं लग रहा होगा कि क्या चल रहा है बिकॉज़ वो ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं एक अपने आप में uh, हो गए हैं अपने आप में जो है एक uh, कहते हैं कि अपने आप में ख़ुद को समेट लिया सबसे uh, जो है कनेक्शन ख़त्म कर लिया और वो हो जाता है एक्चुअली किया नहीं वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हमारी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे होते हैं ना जब हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ भी टेंशन चल रही होती है तो हम अपने आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम अपने आप सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम जो है सिर्फ हम और हमारी प्रॉब्लम और हम उसी में उलझ जाते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें हमें बहुत बेकार बहुत बुरी लगने लगती हैं बाकी सारी चीज़ें हमें बहुत इरीटेट कर रही होती हैं क्योंकि हमारे हम टेंशन में होते हैं हमें कुछ सल्यूशन नहीं मिल रहा होता इसलिए तो इनके साथ भी वही है कि अकेलेपन में इनको सुकून मिल रहा है बाकी सारी चीजें इनको इरिटेट कर रही है सोशल मीडिया लोग सारी चीजें ठीक है तो वो चीज मुझे इनकी नजर आती है ईगो भी इनके अंदर बहुत होगा बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो की वाइफ्स भी है ओके लेट्स सी टैरो से देखते हैं इनकी एनर्जी टैरो से देखते हैं इनकी फीलिंग्स इमोशनल थॉट्स क्या है आपके लिए थ्री ऑफ कप्स इनको सिर्फ एक चीज दिखती है अपनी लाइफ में कि खुल के जी लो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर लो तो वो चीज दिखती है मुझे द वर्ल्ड आई फील इनका ड्रीम भी हो सकता है कि इनको पूरी दुनिया घूमनी है या फिर इनका ड्रीम हो सकता है कि यू you नो know, इनको अगर ये इन दुनिया पूरी नहीं घूम सकते तो इनको जो है जितना ये कर सकते हैं जितनी खुशियाँ ये जो हैं जी सकते हैं अपनी लाइफ में जितना कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो चीज़ दिख सी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया नाइन ऑफ कप्स का तो ड्रीमर है भाई ये मतलब कि इनको किसी चीज़ में बाँधना किसी कमिटमेंट या अदर नहीं हो पाएगा ये पॉसिबल बिकॉज इनका एक थॉट है कि इनको ज़िंदगी जीनी है खुल के जीनी है जजमेंट एंड सच बोलूँ तो ज़िंदगी एक बारी मिलती है और उसको सच में ही जी लेना चाहिए डेथ उसको जी लेना ही सबसे बढ़िया है पेज ऑफ कप्स एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक्स से है एस ऑफ वन ओके तो सबसे पहली चीज जो मेरी गई यू नो डेथ कार्ड जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर बाकी कार्ड्स के साथ ये बताता है सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ सैजिटेरियस स्कॉर्पियो लियो टॉरस एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे हैं धनु राशि कुंभ राशि एंड सिंह राशि वृश्चिक राशि और वृषभ राशि ठीक है नंबर की बात करूँ तो नंबर यहाँ पर है नंबर फोर्टी नंबर थ्री नंबर ट्वेंटी वन नंबर नाइन नंबर ट्वेंटी नंबर थर्टी नंबर इलेवन एंड नंबर एट और ये नंबर्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं सारे के सारे ठीक है अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है मई मंथ ठीक है मुझे यहाँ पर दिख रहा है आ, मार्च का महीना ठीक है मई मार्च और फरवरी फरवरी का मंथ भी एंड अप्रैल का मंथ भी ठीक है ये मंथ मुझे दिख रहे हैं स्ट्रांगली सो यहाँ पर अगर आप देखो डेथ कार्ड को तो ये कार्ड में एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आता है क्यों you न know, इनकी लाइफ में आ, सब कुछ बहुत स्मूथली नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी पर्सनल इश्यूज बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कम से कम आगे आने वाले दो महीने तक इनका टाइम मुझे ठीक नहीं लग रहा है आगे आने वाले दो महीने जो है इनका टाइम थोड़ा टफ ही रहने वाला है क्यों न बहुत उतार चढ़ाव से ज़िंदगी भरी रहेगी एंड थोड़ा सा यू नो ट्रांसफॉर्मेशन्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं तो आगे आने वाले जो दो महीने हैं uh, काफ़ी टफ इनके लिए रहने वाले हैं ईजी नहीं रहने वाले हैं ठीक है यू you नो know, अगर मैं आपके लिए अटैचमेंट की बात करूँ अगर मैं आपके लिए इनकी फीलिंग्स देखूँ तो एक इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन ही आपके साथ फील करते हैं एंड ये जब भी आपके साथ होते हैं ना तो अपनी लाइफ को इन्जॉय भी करते हैं ठीक है मतलब कि ये ऑलरेडी एक सॉरी गाइस सो या यहाँ पर uh, जो है इनका अगेन मैं यहाँ थी सो so ये आपके साथ भी अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं लाइक जब भी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअली uh, ड्रीमर है लेकिन आपके साथ इनको लाइफ इंजॉय करना या आपके साथ रहना और भी ज़्यादा पसंद है ठीक है एक्चुअली ये जो है uh, आपको खोना नहीं चाहते सबसे पहले चीज़ क्योंकि आप इनके विश फुलफ़िल्मेंट हो जैसे कि इनकी बहुत सारी विशेष हैं जैसे कि ड्रीमर है जैसे कि इनके बहुत सारे सपने हैं इनकी बहुत सारी विशेज़ हैं वैसे ही उन विशेज़ में से एक विश आप भी हो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं ये जो है आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं एंड आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं लाइक like, इनको जो है पाबंदियां नहीं पसंद हैं इनको अगर ये बोलो कि तुमने उससे क्यों बात कर ली तुम उसके साथ क्यों थे तुम कल उसके साथ क्यों थे परसों उसके साथ क्यों थे लाइक like, ये चीज़ इनको इरीट्रेट करती है बिकॉज़ ये ओपन माइंडेड है इनको जो है ये चीज़ इनको ऐसा ही पर्सन चाहिए जो कि ओपन माइंडेड हो तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि यू you नो know, आपको ये बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप भी एक इनकी विश हो जो मैनिफेस्ट हुई हो इनकी लाइफ में तो ये बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हैं लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर आपके साथ ऐसी बनाना चाहते हैं ताकि आप इनको हर लेवल पर अंडरस्टैंड कर सको एंड ये अपनी लाइफ को जब खुल के इंजॉय कर तो आप समझो कि हाँ ये एक जो है इनका एक ड्रीम की तरह है कि इनको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है सो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती कि लाइक इनकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बहुत ही अलग तरीके की है बहुत ही यूनिक एक्सपेक्टेशन है इनके अपने पार्टनर से सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती हैं सो so, वो एक्सपेक्टेशन आई डोंट नो कि आप उन पर चल पा रहे हो नहीं चल पा रहे हो या फिर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो पर इनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल टोटली अलग है बहुत अलग है ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड वाली एनर्जी है फीलिंग्स हैं यहाँ पर यू नो जो भी मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ नाव अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका आपसे मिलने का मन करता है ठीक है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा मिलने का मन करता है एंड इस वक्त में जो है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है इनका ये भी नज़र आता है बिकॉज़ यहाँ पर मुझे प्रेयर्स भी नज़र आ रही हैं ओके okay? यहाँ पर मुझे प्रेयर्स भी नज़र आ रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए अपनी लाइफ के लिए ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है एंड आई थिंक इनकी दो महीने बाद इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल चुकी होगी गाइस क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर जजमेंट है कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है आई फील कि दो महीने बाद इनकी लाइफ बहुत बड़े लेवल पर बदल गई होगी बहुत अलग तरीके से बदल गई होगी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए होंगे इनकी लाइफ में वो चीज़ मुझे दिखते हैं कि ये दो महीने जो है इनके ऐसे रहेंगे चेंजेस से भरे हुए जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं इनकी लाइफ में तो वो चीज़ मुझे दिखती है लाइक अभी मैं देखूँ यहाँ पर तो आ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी गाइस कि आप भी ये दो महीने कोई डिसीज़न मत लेना या फिर इनसे कोई डिसीज़न मत मांगना ठीक है जैसे हम कई बार ही नहीं होता बहुत गुस्से में आकर के बोल देते हैं यस या नो बता दो जो भी हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो इन दो महीनों में ऐसा कभी मत करना ठीक है इन दो मही ये दो महीने ऐसे हैं कि ये जो भी डिसीजन लेंगे सब गलत होगा एंड इनके दो महीने काफ़ी टफ हैं तो दो महीने जो है आपने इनसे कुछ भी जवाब नहीं लेना और ना आपने खुद इस रिलेशनशिप के लिए डिसीज़न लेना है आपने भी डिसीज़न नहीं लेना एंड उनसे भी कोई डिसीज़न नहीं कर पाना ये दो महीने आप जो हैं हो सके तो नॉर्मली बीत जाने दो सो दो महीने अगर इजली बीत गए तो आगे चीज़ें ठीक रहेंगी डोंट वरी मीन्स कि अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर अभी पूरा का पूरा बाकी है और नवंबर अक्टूबर और नवंबर दोनों मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ दिसंबर काफ़ी अच्छा जाएगा बस ये दो महीने जो हैं आराम से निकल जाने दो तो, ठीक है वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है सो बस इस चीज़ को आप थोड़ा सा जो है संभाल लेना ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है मुझे यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है बस इनके ये दो महीने ठीक नहीं है तो इनसे कोई किसी चीज़ के लिए प्रेशर मत देना ठीक है क्योंकि ये प्रेशर में आकर के डिसीज़न ये अपनी तरफ से सही लेने की कोशिश करेंगे लेकिन रिज़ल्ट आउटकम गलत मिलेगा अच्छा नहीं मिलेगा इसलिए दो महीने कोई डिसीज़न नहीं लेना ओके सो यार थैंक यू सो मच गाइस ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग आई होप आपसे रेजोनेट की हो आई होप आपको पसंद आई हो रेजोनेट की हो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में तब तक अपना ख्याल रखें बाय टेक केयर सी यू अकेन